जय हिंद जय भारत चक दे इंडिया टीजर देरा रंग जैसे सुपर हिट फिल्म में चक दे इंडिया हर भारतीय के दिल में बसती है। फिल्म की कहानी हर किसी को पसंद आई और आज भी लोग इस फिल्म को देखते हैं। हर 15 अगस्त पर आपने ये गाना जरूर सुना होगा और इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसकी अच्छी खासी कमाई हुई थी। फिल्म चक दे इंडिया को रिलीज हुए 17 साल हो चुके हैं, फिर भी ये फिल्म लोगों में काफी ज्यादा पसंद की जाती है और आज भी लोगों की पसंद है। चक दे इंडिया शाहरुख खान के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है। फिल्म के कुछ अंश उन्हें किस जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है और साथ ही बताते हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी। दरअसल 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई फिल्म चक दे इंडिया का निर्देशन शिविर अमीन ने किया था। यहाँ तक कि फिल्म का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स ने किया था और फिल्म चक दे इंडिया में सलीम सुलेमान का म्यूजिक था और गाने जिसके जो थे वो सुपर डुपर हिट थे। फिल्म में फीमेल एक्ट्रेस की एक लंबी स्टार कास्ट थी और जिसमें की विद्या मालदनी, चित्रांशी रावत, सागरिका घाटगे, तान्या अब्रोल और शिल्पा शुक्ला जैसी एक्ट्रेसेस ने अहम रोल प्ले किया था। वहीं शाहरुख खान फिल्म में लीड एक्टर थे। वुमेन हॉकी टीम के कप्तान बने शाहरुख खान की वजह से यह फिल्म इतनी कामयाब हो पाई और बताते चले कि वही फिल्म का क्लाइमैक्स हर किसी के दिल को छू गया। यहाँ तक कि सांख्यिक के अनुसार भी बताते चले कि फिल्म चक दे इंडिया के बजट 20 करोड़ रुपए का, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 109.20 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। फिल्म चक दे इंडिया का बात करें तो काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। बताते चले कि फिल्म चक दे इंडिया न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि अपने नाम का डंका उसने हर जगह बजाया, बल्कि इसके गानों ने भी काफी तहलका मचा के रखा था। फिल्म तो कई बार देखी भी ली होगी आपने, लेकिन क्या इससे जुड़ी अहम बात एक जानते हैं आप? यहाँ हम आपको एक इसके दिलचस्प किस्से यानी कि IMDb के अनुसार बता रहे हैं। नंबर एक, इस फिल्म ने भारतीयों के अंदर हॉकी खेलने का जज्बा को बढ़ाया। इस फिल्म के आने के बाद हॉकी बिकने में 30% का इजाफा देखने को मिला। फिल्म चक दे इंडिया लेजेंड हॉकी प्लेयर मीर रंजन नेगी के जीवन पर बनी थी। उन्होंने इस फिल्म को लिखने में काफी मदद की थी और वो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। बात करें अगर दूसरे नंबर पे तो वो था कि फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी एक्ट्रेसेस की शूटिंग से पहले हॉकी सिखाई गई और उन्होंने लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग भी ली थी। बात करें अगर हम तीसरे नंबर पे तो फिल्म में काफी कुछ नया था। फिल्म में एक सीन में एक कोच कबीर खान प्रीति सबरवाल को लेट आने पर ग्राउंड के 7 मिनट तक 10 चक्कर लगाने की पनिशमेंट देता है। असल में हॉकी का एक गेम 70 मिनट चलता है और कबीर खान ने 7x10 यानी कि मतलब 70 मिनट की इस पनिशमेंट को झेला। बताते चले कि फिल्म चक दे इंडिया में शाहरुख खान के एक्टिंग को खूब ज्यादा पसंद भी किया गया था। इतना ही नहीं, क्लाइमैक्स में जब इंडिया जीतती है तो शाहरुख की एक्टिंग पर ही लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाया करते थे और इस फिल्म के लिए शाहरुख को 7 फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। आपको ये फिल्म कैसी लगी और अगर आपने नहीं देखी तो फिल्म को जरूर देखें और अगर देखिए तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 नेक्स्ट लाइव। जुड़े हमारे साथ और देखते रहने लाइव।